सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधायक जितेंद्र भाट ने हम दो हमारे 12 फिल्म को लेकर बयान दिया और कहा कि 11 लाख दूंगा, मुसलमान के घर में 10 बच्चों का परिवार बता देगा। जितेंद्र भाट ने हम दो हमारे 12 मूवी को चुनौती दी है। इस मामले में इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ के आयत को गलत तरीके से मूवी में दिखाया जा रहा है। विधायक जितेंद्र भाट ने इस पर सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि हम दो हमारे 12 मूवी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार कुट विधायक और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र भाट ने कहा है कि आने वाली मूवी यह एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि द केरला फाइल्स यह स्टोरी जब सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी तो 3 दिनों के अंदर ही ये मूवी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। आज उसी तरीके से फिर एक बार एक विशिष्ट समुदाय के ऊपर एक मूवी आ रही है, हम दो हमारे 12, और इसमें दिखाया गया है कि मुसलमान किस तरीके से 12 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हम सरकार द्वारा प्रसारित किया गया डाटा देखें तो मुसलमान की जनसंख्या में घटोत्तरी हुई है। हम दो हमारे 12 की टीजर में जिस तरीके से सुन्नी दावत इस्लामिया का जो बैनर पोस्टर में इस्तेमाल किया गया है फिल्म में, क्या उस सुन्नी दावत इस्लामिया की परमिशन हम दो हमारे 12 मूवी ने लिया था? अब तो ऐसा ही हो गया है कि सेंसर किसी भी मूवी को परमिशन देने लगी है। क्या सेंसर बोर्ड ने जो इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है उसको रीचेक करने की कोशिश किया, उससे मालूमात देने की कोशिश की कि जो मूवी में बताया जा रहा है क्या वो सही है या गलत है? इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की एक आयत को तोड़ मरोड़ कर इस फिल्म में पेश किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि महिला अपने आदमी के अधीन होती है, और इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में ये लिखा है कि अगर औरत आदमी किस तरीके से इनको रहना चाहिए, कैसे ये ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ तक कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत को देख नहीं सकते। जितेंद्र भाट का बयान सुनाते हैं आपको। जितेंद्र भाट ने हम दो हमारे 12 मूवी को लेकर आपत्ति जताई। ऐसा है कि ये अब ऐसी कुछ थरार पैदा हो, जरा समाज में द्वेष पैदा हो, प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर जाने वाली कथाएं लेके पिक्चर बनाने का बड़ा शौक कुछ लोगों का है। जैसे केरला स्टोरी थी, लोग देखते नहीं है, इनको लगता है कि हम ऐसे पिक्चर लेके आएंगे तो बहुत लोग देखेंगे, कोई दिखता नहीं। केरला स्टोरी तो 3 दिन में निकालनी पड़ेगी। जो ट्रेलर बताया जा रहा है और मैंने जो चर्चा की है लोगों से, यानी इस्लामिक स्क्रॉलर से जब चर्चा करता हूं तो वो बताते कि ऐसा कुछ कितने बच्चे होने चाहिए, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। और ये 10 बच्चे और 12 बच्चे ये कभी होते थे क्या मालूम? बोले अब तो लोग बहुत चुनिंदा हो गए हैं, बहुत सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, घर का खर्चा कैसा चलेगा। तो आज ये यानी हिंदू हो या मुसलमान, ये 2-3 बच्चों के ऊपर जाने की सोच ही नहीं करते। और जो आयात यानी जो वर्सेस जिसको बोलते हैं, जो सूरा 222-223 है, और उसको ढंग से पढ़े और उसका अर्थ समझ ले तो उसको बहुत मायने रखता है।
कि आपको स्त्री से कैसा व्यवहार करना है, वो स्त्री कितनी कीमती और महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप कहीं और देख भी नहीं सकते, ये सब उसमें लिखा है। और कोई किताब, कोई हिंदू किताब, कोई इस्लामिक किताब, कोई सिख किताब, कोई बुद्ध की किताब, उसमें कितने बच्चे होने चाहिए ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। वो तो एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये कुरान की जो आयतें हैं उसको भी गलत बता करके अगर आप पिक्चर बना रहे हो, पीछे उसके दावते इस्लामी लिखा है सुन्नी, उनकी परमिशन ली है क्या आपने? ये मुझे लगता है कि सेंसर ने मंजूर कैसा किया? ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, दावते इस्लामी सुन्नी जो भी है वो रजिस्टर्ड संस्था है। उनके अमीर से हमें बात हुई तो बोले हमारा बैनर कैसा यूज किया उसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कुरान का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हो, उसका मीनिंग बदल देते हो, तो आपको तो सेंसॉर बोर्ड ने वही रोक देना चाहिए था। क्या हालात हो गए इस देश में, आप किसी धर्म की पुस्तक को भी बदल देते हो। इसका सीधा मतलब है आपको सिर्फ द्वेष प्रश्न फैलाना है। ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, ऐसा आपको दिखाना है। मुझे दिखाओ ना, आज मैं सबको चैलेंज देता हूं। चलो एक फैमिली दिखाओ मुझे जिसमें 10 बच्चे हैं, आज दिखाऊं। मैं ये जो बनाने पिक्चर बनाने वाले ना, उनको बोलता हूं मैं तुमको 11 लाख दे दूंगा, तुम मुझे एक फैमिली दिखाओ जिसमें 10 बच्चे हैं। आप नेगेटिव प्रोपोगंडा करने के लिए कुछ भी बोलोगे तो ये गलत है। कम से कम धार्मिक पुस्तकों का तो इस्तेमाल मत कीजिए, वो तो प्रूफ है ना। और साल 622 में लिखा हुआ कुरान है, कोई आजकल में नहीं लिखा है ना। और ये एक ही धार्मिक किताब है जिसमें कोई बदलाव ही नहीं आया है। जो भी हो रहा है इस देश में वो सिर्फ लोगों में नफरत फैलाने के लिए, किसी समाज के प्रति एक जिसको हम बोलते हैं ना कि उसकी बदनामी हो, उसके बारे में गैर यानी सम क्या बोलेंगे हम उसको, गैर समझ को क्या बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो, बेसिक मिस इंटरप्रिटेशन। ये ऐसे ही है, इनके घर में 20 बच्चे, इनके घर में 14 बच्चे, इनके घर में 4 बीबी है। 4 बीबी है किसको बोलते हैं, 0.1% भी नहीं है 4 बीबियां, पर हम तो बोलते बोलते बोल ही देते हैं इनको क्या 4 बीबियां है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है, ये खास करके ये लोगों के मन में द्वेष निर्माण हो, एक धर्म के प्रति द्वेष निर्माण हो और इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो, इसके सिवा इसके पीछे कुछ भी नहीं। पूछना चाहिए लोगों ने कि भाई तुमने इसको मान्यता कैसे, किसी धार्मिक पुस्तक में लिखी हुई बातों को गलत पेश करना ये अपने आप में एक गुनाह है। फिर कोई समुदाय अगर चिढ़ जाता है तो फिर आप उसको डराने लगते हो, धमकाने लगते हो और फिर बोलते हो देखो ये समाज कैसा है। लेकिन वो समाज को भड़काने के लिए ये काम करते क्यों हो?